क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर फाइव नेक्स्ट वीडियो द लेटर वैदिक एज उत्तर वैदिक साहित्य जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. इट इज बिलीव दैट द टू ग्रेट एपिक्स दैट द रामायण एंड द महाभारत वर क्रिएटेड इन द लेटर वैदिक. जो दो ग्रेट एपिक जो है महाभारत और रामायण वो उत्तर वैदिक काल में ही लिखा गया है. दिस इज ऑल्सो द कॉल्ड द एपिक एज. अदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर द वेदास द सूत्रास एंड उपवेदास एंड द सिक्स दर्शनास. इसके साथ कुछ जो द वेद थे और सूत्रास थे उपवेदास और छः दर्शन भी इसी काल में लिखे गए थे. इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो आर्यन जो कबीलों में रहते थे मैं वो किस तरह से धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ते चले गए. एक्सपेंशन ऑफ द आर्यन से इन दिस उत्तर वैदिक काल में ही जो आर्यन थे वो छोटे छोटे कबीलों से होकर एक बड़े बड़े राज्यों में शहरों से उन्होंने धीरे धीरे फैलते चले गए. जैसा कि बताया गया कि दे ऑल्सो पेंट्रेड इन द विंध्य फॉरेस्ट एंड एस्टैब्लिश पावरफुल किंगडम ऑन द डेक्कन टू द नॉर्थ ऑफ द गोदावरी. धीरे धीरे उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के इलाकों में तक डेक्कन तक उनका वो फैलते चले गए. दे फाउंड मेनी फेमस टाउन. उन्होंने बहुत सारे शहरों की स्थापना की जिसमें अयोध्या कुरुक्षेत्र एंड काशी. राइज ऑफ पावरफुल किंगडम. इसके साथ साथ बहुत सारे पावरफुल शक्तिशाली राजघरानों की स्थापना की गई जिसमें सबसे प्रमुख थे कुरु पांचाल खोसला काशी मगध एंड अंग. द कुरुज ऑक्यूपाइड दिल्ली. द कुरुज जो किंगडम था उसने दिल्ली पर अधिकार था और एडजॉइनिंग जिसे ही बाद में कुरुक्षेत्र कहा गया. Some ambitious king after conquering vast territories had begun to perform the Ashwamedha Yajna and the Rajasu Yajna. जो उस समय के पावरफुल किंग थे उन लोगों ने जिनका पूरे भारत पर इच्छा राज था उन लोगों ने अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेघ और राजसु यज्ञ का भी आयोजन किया था. द किंग इन द लेटर वैदिक पीरियड बिकम द एब्सोल्यूट रूलर. जो उस समय के जो रूलर है काफ़ी शक्तिशाली और उनका प्रभाव था उन पर. द सभा एंड द समिति लॉस्ट देयर पावर. एज यू हैव द स्टडी अर्लियर इन द ऋग्वैदिक पीरियड द पुरोहित सेनानी एंड द ग्रामीण वेद मीन असिस्टेंट. इसके साथ हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ कि इसके जो राजा होता था किंग होते थे उसके मदद के लिए बहुत सारे लोग होते थे जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करते थे. बट इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर आर मेनी न्यू एडिशनल ऑफिसर्स सच एज. मगर उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे नए ऑफिसर्स भी हैं जैसे चिरुटिया चैम्बरलियन सुप्रिटेंडेंट ट्रेजरर कलेक्टर जैसे पोस्ट भी जो आए जो जो राजा की मदद के लिए जिन्हें रखा जा रहा था. दिस वॉज नॉट मच चेंज इन द मोड ऑफ द वॉरफेयर. द किंग नाउ बिगन टू द मेंटेन ए रेगुलर आर्मी एंड डिसेंट टू द क्षत्रियस. इतना राजा को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत थी. इसके साथ साथ जो ऐसा भी समय है जिसमें जो सैनिक होते थे सारे के सारे क्षत्रिय जो होते थे उन्हें ही शामिल किया जाता था. दिस वॉज नेसेसरी बिकम द कंटिन्यूस वॉर डेट किंग हैड टू फाइट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हिज एम्पायर. और ऐसा भी था कि अपने क्षेत्र को बचाने के लिए हमेशा लड़ाई और युद्ध होते रहता था जिसके लिए उसे एक बहुत बड़ी वास्ट आर्मी की भी जरूरत पड़ती रहती थी. न्यू एंड इम्प्रूव्ड वेपन वेयर आल्सो इंट्रोड्यूस एंड द एलिफेंट केम इन टू यूज़ इन द बैटल फील्ड. इसके साथ साथ ही नए नए हथियारों का भी आविष्कार किया गया और उनका उपयोग किया गया. साथ ही साथ युद्धों में हाथियों का भी उपयोग होना स्टार्ट हो चुका था. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सोशल लाइफ जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.